ऐसा वीडियो बनाओ और टिकटॉक पर वायरल करो। बड़ी आसानी से समझिए, यूएसटेक परिवार के मालिक उस्मान आपको इस वीडियो में पूरा तरीका बताएंगे। साइड में आपको ये जो वीडियोस दिखाई दे रही हैं, ये है AI वीडियोस टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर इस वक्त फुल ट्रेंड के अंदर है। अगर आप लोग AI वीडियो क्रिएट करते हो, AI वीडियो क्रिएट करने में सिर्फ एक मिनट आपका लगेगा। AI वीडियो क्रिएट करके अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करते हो, कहीं भी अपलोड करते हो, तो आपकी वीडियो 100% वायरल हो जाएगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि AI वीडियो क्रिएट कैसे की जाए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम या फिर अपने सोशल मीडिया के लिए AI वीडियो क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। इसके साथ साथ इस वीडियो से पैसे भी कमा सकते हो। तो बहुत ही आसानी के साथ समझाऊंगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर हम लोग आ चुके हैं। मैं आपको ये चीज़ कंप्यूटर पर भी जाकर समझा सकता था, मगर मोस्टली लोगों के पास, हमारे सब्सक्राइबर्स के पास मोबाइल ही होता है, कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप नहीं होता, तो इसलिए मैं मोबाइल पर आपको समझाना बेहतर समझा मैंने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने जो स्टेप लेना है वो ये है कि आपने ChatGPT पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपको नहीं करना आता तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप लोग जाकर वीडियो देखें और जहाँ पर अकाउंट बना लें। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, मोटिवेशनल कोट्स ले सकते हो, पोएट्री ले सकते हो, या फिर कोई इस तरह का टेक्स्ट फॉर्म के अंदर कोई भी कंटेंट आपने लेना हो तो बिल्कुल फ्री के अंदर ले सकते हो। अब यहां पर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं मोटिवेशनल कोट्स अंडर 5 लाइन, सही है, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ। अब मैंने लिखा है, डन किया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मुख्तलिफ कोड्स आ चुके हैं। आपने जो भी चीज़ लेनी हो आप लोग यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो, उसको कापी कर सकते हो। यहाँ से मुझे ये बेहतर लग रहा है, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कापी। ये मैंने इसको कापी कर लिया है। कापी करने के बाद यहाँ पर इसको ट्रांसलेटर के अंदर हम जाते हैं, गूगल ट्रांसलेटर आपके पास मौजूद होगा। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर इनपुट इंग्लिश और आउटपुट उर्दू को सिलेक्ट करने के बाद ये यहां पर मैंने पुट किया है। अब ये मुझे उर्दू के अंदर इसने जो कोट यहां पर कन्वर्ट करके दे दिया, इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है कि सिंपली हमने गूगल पर सर्च करना है 11 Labs। ये एक वेबसाइट है जो कि आपके टेक्स्ट को वॉइस के अंदर कन्वर्ट करती है। इस पर आपने क्या करना है, जाना है और इस उर्दू को आपने यहां पर पेस्ट कर देना है। ये वाली मेरी उर्दू है, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, सही ना ही मैं ये कहता हूँ कि ये बस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप लोग कोई अपनी मर्जी की चीज़ लिखना चाहो या कुछ भी लिखना चाहो यहाँ पर लिख सकते हो। अब ये मुझे सिंपली यहाँ पर ये मुख्तलिफ आदर्स यहाँ पर हैं, ये मुख्तलिफ वॉइसेस के यहाँ पर मिलते हैं, आप लोग इनको सिलेक्ट कर सकते हो जिस वॉइस के अंदर आपने लेना हो। तो ये डिफॉल्ट सिलेक्ट है तो इसको रहने देते हैं। अब इसको मैं आपको सुनवाता हूँ एक दफ़ा। कामयाबी हतमे नहीं है, नाकामी मोहलक नहीं है, जारी रखने की हिम्मत ज़रूरी है। तो आपने देख लिया जो मैंने टेक्स्ट लिखा इसने मुझे वॉइस के अंदर कन्वर्ट करके दे दिया। अब मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड, यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को करता हूँ डाउनलोड, ये सॉरी वॉइस को करता हूँ डाउनलोड, वॉइस मेरी डाउनलोड हो चुकर आ चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो वो ये है कि आपने गूगल पर जाना है और सर्च करना है studio.di। अब ये वेबसाइट क्या करती है कि आपको AI वीडियो बना कर देती है। इस वेबसाइट को आप जो ही ओपन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है, सही है। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है जो वो ये है कि आपसे यहाँ पर गूगल की ID मांगेगा, गूगल को आपने कनेक्ट कर लेना, आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप यहाँ पर ये है क्रिएट वीडियो, क्रिएट वीडियो का बटन है, इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है। क्रिएट वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ एवेटर्स मिल जाते हैं, मुख्तलिफ फेसेस मिल जाते हैं, जो भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना हो आप लोग कर सकते हो। जनरेट AI पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ मिल जाएंगे, और भी जो भी आपने यहाँ पर करना हुआ आप लोग उसको करें सिलेक्ट, यहाँ पर आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट जो ही करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट वाला बटन है, स्क्रिप्ट पर आपने क्लिक करना है। स्क्रिप्ट पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑडियो अपलोड करने का ये बटन मिलेगा, सही है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये कह रहा है अपलोड योर ओन वॉइस, तो आपने इस पर करना है क्लिक और यहाँ पर फाइल के अंदर आपने जाना है। अब जो ऑडियो आपने डाउनलोड की थी ना वहाँ से टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के बाद वो ये मेरी यहाँ पर शो हो रही है, मैं इसको कह लेता हूँ सिलेक्ट, ऑडियो को मैंने यहाँ पर करना है अपलोड। ये अब अपलोड हो जाएगी और सिंपली ये मेरी यहाँ पर अपलोड होती है तो अपलोड बल्कि हो चुकी है, सही है। अब हमने क्या करना है, जनरेट वीडियो को ये बनना है, जनरेट वीडियो पर करना है क्लिक। जनरेट वीडियो पर क्लिक करेंगे तो जनरेट पर अब क्लिक करेंगे तो
तो ये वाली वीडियो मेरी बनकर इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। पहले भी मैंने यहाँ पर एक दो वीडियो बनाई है, चेक किया है, काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलता है यहाँ पर। अब ये मेरी वीडियो यहाँ पर आ चुकी है इस तरीके से। अब हमने इस वीडियो को क्या करना है कि यहाँ से इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ये वीडियो हमने यहाँ से करनी है डाउनलोड, ये वीडियो डाउनलोडिंग हो रही है और यहाँ पर हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। सही है, हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि सिंपली कैप कट ऐप आपके मोबाइल में होगी, आपने इंस्टॉल कर लेनी है प्ले स्टोर से। ये बेस्ट वीडियो एडिटिंग है ऐप है, तो आपने इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर करते हैं क्लिक। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक बैकग्राउंड है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। सही, ये वाला बैकग्राउंड है। सही है, बैकग्राउंड को मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर ओवरले पर क्लिक करने के बाद सिंपली मैं ये वाली वीडियो जो मैंने अभी बनाई है यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। ये वीडियो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली है कुछ इस तरीके से। वीडियो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हमने क्या करना है कि बैकग्राउंड कटआउट का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करना है और रिमूव बैकग्राउंड का बटन मिलता है, रिमूव बैकग्राउंड पर आपने क्लिक करना है। आपकी वीडियो का बैकग्राउंड जो है ये रिमूव होकर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और आपने इसको यहाँ पर इसके बराबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना जो आपकी मेन टाइम लाइन है। सही है, एंडिंग को ख़त्म कर देना है और आपकी वीडियो सिंपली इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। अब वीडियो को फाइनल रिजल्ट जो है वो ये है। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनल रिजल्ट जो है वो आप लोग यहाँ पर देखें। कामयाबी हतमी नहीं है, नाकामी मोहलक नहीं है, जारी रखने की हिम्मत जरूरी है। तो सही हो गया, बिल्कुल ये इस तरह की ही वीडियो है जैसा कि आप लोग टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पर देखते हो। बहुत ही आसानी के साथ आप लोग क्रिएट कर सकते हो, या कि आप लोग वॉइस कोई भी चाहो आप लोग क्रिएट कर सकते हो, जो टेक्स्ट आपने क्रिएट करवाना हो आप लोग खुद यानी कि कर सकते हो। सही है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बनाकर दिखाई है, तरीका आपको समझा दिया। सही है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। खुदा हाफिज़।